आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। चल जल्दी से कपड़े बदल, मुंह धो और मेरे साथ चल। पर हमें जाना कहाँ है तरुण? ये सोच ले, आज तेरी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। अब तो चल। यार तरुण, मुझे लगता है कि तू कुछ ज्यादा फिल्मी होता जा रहा है। देख, मैं फिल्मी हो सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुझे नहीं बता सकता कि मैं तुझे कहाँ लेके जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ कि जहाँ तुझे लेके जा रहा हूँ, 100% फायदा तेरा ही है। अब तो चल मेरे बाप। मेरी इतनी गुणी बेटी, एक गलत चुनाव इसकी पूरी जिंदगी खराब कर देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गणपति बाप्पा, मेरी श्रद्धा की लाज रखना, और सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों हो? वैशु, पता नहीं गर्मी सब क्या हो रहा है। कल के मसले को लेकर आई इतनी परेशान थी, और आज सुबह उसकी बाबा के साथ अनबन हो गई। दोनों मेरे बारे में सोचते हैं, मगर बिल्कुल अलग अलग। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं यही बातों को लेकर आगे कुछ नहीं होगा ताई। देख, सिर्फ लड़की वाले को आने दे, फिर ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। तू टेंशन मत ले। ये लड़के वालों का भी अचानक से आना एक परेशानी तो है। पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आए, मेरी सच्चाई जान के क्या सोचेंगे। तू टेंशन मत ले ताई, कुछ नहीं होगा, और जो होगा ना अच्छे के लिए होगा। अभी तू जा, किचन से बाहर निकल और तैयार हो। क्या चल रहा है यार? अरे बेटे, तू आ गया, अच्छा हुआ। लड़के वाले आ रहे हैं अर्चना को देखने। अच्छा बाबा, कौन है? हाँ, समझ में आएगा बाद में, तू जा जल्दी तैयार हो जा। अच्छा चलो, मैं जल्दी मिनटों में तैयार हो गया। हाँ, मैं उनकी राह देखता हूँ। भाई बाबा ने कहा कि कुछ लड़के वाले आने अर्चु को देखने, तो तू ऐसे क्यों बैठी है? ऐसा मौका तेरे लिए कोई त्योहार से कम नहीं होता कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो ऐसे तू चुपचाप के बैठी है। चल उठ उठ, अर्चु को भी तैयार करना है। नहीं रहने दो। क्या हुआ ये? कल जो हुआ ना, उसकी वजह से तुम्हारे बाबा का धीरज छूट गया है। उससे कह रहे थे कि अब मैं अर्जु के लिए लड़का ढूंढूंगा, अब तुम तो जानते हो कि वो कैसा लड़का ढूंढेंगे। तो ठीक है ना, ये इसमें बुराई क्या है? प्रॉब्लम तो होगी ना, अगर लड़का पढ़ा लिखा ना हो तो, अच्छा खासा ना कमाता हो तो, तब तो मैं अर्जु को उसके सामने लाऊंगी नहीं। मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। पहले तू लड़के को देखना परखना,
और अगर तेरी तसल्ली हो तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे, वरना वही रोक देंगे। तुम्हारे बाबा पर मुझे भरोसा नहीं है? पता नहीं कौन सा लड़का ला रहे हैं वो, और अर्चु के गले में बांध कर वो तो। अरे तू शांत हो। ओ भाई आई, लड़के वाले आ गए। चल आई तू अंदर जा, चली ये सब सामान। हरमेश्वरा वात्स हो रहे हैं बाबा। चल आई तू चिंता मत कर। यूनिवर्सिटी से MBA किया है उसने, और वर्ली में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें मैनेजर के पोस्ट पे है। 35,000 की तो कम से कम सैलरी होगी उसकी। अच्छी लड़की थी, लेकिन ये भी तो सच है ना कि सतीश से उसका कोई मेल नहीं। सतीश इतना पढ़ा लिखा है, अमीर है, तो वो अर्चना जैसे कम पढ़ी हुई लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता है? जी मैं अर्चना का पिता, माझी बायको सुलोचना है, और मेरा बेटा विनोद। आपको कोई आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जी। तू जरा मेरे साथ चल। सुनिए मैं अभी आई। आराम से बैठिए। क्या हुआ है तो मुझे इस तरह? लड़का तो अच्छा है ना? अच्छा? अरे बहुत अच्छा है। तो फिर? अरे ये सतीश है, वही सतीश जिसके साथ मैं अर्चना की शादी करवाना चाहती थी, और मंजुषा की आई से इसी के बारे में बात हो चुकी। अच्छा तो ये वो है। चलो अच्छा ही हुआ ना आई, तुम्हारे मन की मुराद अपने आप ही पूरी हो गई। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो है ना, इतने अच्छे परिवार का लड़का, इतना पढ़ा लिखा, खुद ब खुद रिश्ता लेकर हमारे घर आता है, ये कैसे हो सकता है? भाई तुम भी ना अब ये समझ लो कि पापा ने तुम्हारी सुन ली, और चलो। अरे नहीं नहीं, ये सब इतना आसान नहीं होता बेटा। मंजुषा की आई कह रही थी कि अर्चना और सतीश का कोई मेल ही नहीं है। सतीश तो कभी अर्चना को हाँ कह ही नहीं सकता है। फिर शायद उन्हें अर्चना के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। सच्चाई का पता चलने के बाद आई अर्चना अपने चेहरे पर दिखाती नहीं है विनोद, लेकिन मैं जानती हूँ कि कल से वो कितना परेशान है। अगर आज वही सब बातें दोहराई जाए तो वो तो बेचारी टूट जाएगी। तो आई तुमने सोचा क्या है? मैं तो वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए, वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। माफ कीजिए लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। सुलोचना एक मिनट भाई साहब, क्या हम
वजह जान सकते हैं? आपका बेटा बड़ा होनहार है, पढ़ा लिखा है। मैं खुद चाहती थी कि अर्चना की और इसकी शादी हो जाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की थी। तो फिर आप ना क्यों बोल रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ आगे जाकर क्या होने वाला है। कुछ समय के बाद मेरी बेटी चाय का ट्रे लेकर यहाँ आएगी। आप उसे देखेंगे, शायद पसंद भी कर लेंगे, फिर मिठाई से मुंह मीठा करेंगे और फिर बातें करेंगे, खुशियाँ बढ़ेंगी, बातें बढ़ेंगी और उन्हीं बातों से आपको पता चल जाएगा कि मेरी बेटी से 8वीं पास। बस सब कुछ वही का वही रह जाएगा। एक बार अर्जुन फिर से रिजेक्ट हो जाएगी। भाई साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरी अर्चना के साथ ये कई बार हो चुका है। कोई भी पढ़ा लिखा लड़का आता है तो वो पढ़ी लिखी और कमाने वाली लड़की चाहता है, और ये दोनों गुण मेरी अर्चना में नहीं है। बात बढ़े और फिर आगे जाकर रुके, इससे तो और तकलीफ होती है ना। इसलिए अगर हम यही रुक जाए तो अच्छा है। हमें माफ कीजिएगा। जी, मैं समझता हूं आपकी बातों को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमेशा आपके साथ हुआ है वो आज भी हो। मतलब मैं कल मौजूद था उस शादी में, जो भी कुछ आपकी बेटी को बोला गया वो सब मैंने सुना। ये सब तुमने जानबूझकर किया है। मेरे बेटे की खुशी से जलन हो रही थी तुम्हें। उम्र में छोटा है तुमसे, फिर भी उसकी शादी हो रही है, और तुम, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है और तुम पड़ी हो माँ बाप के घर में। बिन ब्याही तो तुम हो ही, और इतनी मनहूस हो गई हो कि किसी की भी शादी में जाओ वो शादी टूट ही जाएगी। और मैंने ये भी देखा कि इतने आरोप, इतनी बदनामियों के बावजूद भी अर्चना वहीं पर शांत खड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसे अपने अपने परिवार के सम्मान की फिक्र थी। खुद को बेकसूर साबित करना तो दूर, अपने दुख को भूल करके वो अपने बिखरते हुए रिश्तों को संवारने में लगी हुई थी। भले वो कामयाब ना हुई, लेकिन उसकी यही रिश्तों को जोड़ने की कला मुझे भा गई। क्या मतलब? मतलब मैंने उसे उसी वक्त पसंद कर लिया था। आज तो बस कुछ बातें आगे बढ़ाने के लिए, और हाँ, मुझे मालूम है कि वो 8 तक पड़ी हुई है। और हमें ये भी मालूम है कि घर गृहस्थी के मामले में उसने इससे कहीं ऊंची डिग्री हासिल कर रखी है। वो रोज 5 बजे उठती है और तब से लेकर रात तक अपने दोनों हाथों से अपने 8 लोगों के परिवार को बखूबी संभालती है। हर एक की ख्वाहिश को वो पूरा करती है, अलग अलग चाय, दूध, नाश्ता, खाना, सब कुछ, सब वो अकेले करती है। हमेशा चेहरे पे मुस्कान लिए हुए, अपने पैरों में पहिए लगाकर भागती रहती है हमेशा। क्या इतना कुछ काफी नहीं एक अच्छी पत्नी होने के लिए? लेकिन आई, मेरी माँ भी एक हाउसवाइफ है, एंड आई रिस्पेक्ट हाउसवाइफ। अगर ये काम करना छोड़ देंगी तो फिर हमारी तो हो गई छुट्टी। ये घर में काम करती है तब जाके हम बाहर जाके 4 पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। अगर अर्चना के रूप में मुझे एक अच्छी हाउसवाइफ मिलती है तो मैं क्यों अड़ा रहूंगा इस नौकरी या एजुकेशन के चक्कर में? मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जिसके साथ मैं खुश रहूं, जो मुझे, मेरे परिवार को समझ सके, हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे सके। और मुझे लगता है कि अर्चना ऐसा जरूर करेगी। वो अपने
हर परिवार वालों के लिए इतना कुछ करती है, अपने भविष्य को भूल सकती है, तो अपने ससुराल के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकती। बस यही सब सोचकर मैंने ये शादी का फैसला किया है। आगे जो भी आप लोग ठीक समझिए। माफ करना बेटा, मैंने शायद तुम्हें पहचानने में ही गलती कर दी। देख पूरा उसका घर। तरुण ये कार तो मैंने ठीक की थी, क्या ये इसकी कार है? चल यार बहुत बहुत पैसे वाली लगती है, चल। अरे नहीं रे, मैंने पता कराया यार, लगता है कोई मेहमान आया है, बिल्कुल तेरे टाइप के, समझा? चल वहां चल के देखते हैं, चल ना। आपकी बेटी को बुला लीजिए, अब उससे भी तो पूछ ले कि उसे ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं। मैं अभी आई। अर्जुन चल बेटा, बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे। चल रुकाई, पहले मेरी बात सुन। जब मैंने गाड़ी की आवाज सुनी तो मैं जान गई थी कि ये रिश्ता किसी बड़े घर से आया है। अब हो सकता है कि मेरे बाहर जाने पर वही सब कुछ हो जो आज तक मैंने अपने मन को मना लिया है। मैं सह लूंगी सब कुछ। अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो यही होगा, लेकिन तू अपना दिल छोटा मत कर, दुखी मत हो। और हाँ, बाहर जाके उन लोगों को कुछ मत कहना, वरना तुझे तकलीफ होती है, तेरी सांस फूल जाती है। और बस बस बस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो तुझे जानते हैं, तेरे बारे में सब जानते हैं, और फिर भी रिश्ता लेकर आए हैं। क्या? हाँ, हर जो चमत्कार होते हैं, जब श्रद्धा में ताकत होती है ना, तो वो अपना रंग दिखाती है। शायद इतने दिन गणपति बप्पा हमारी परीक्षा ले रहे थे, और अब हम पास हो गए। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं अर्जुन। अंगारिका के दिन तेरे हाथों का फेंका हुआ फूल गणपति बप्पा के पैरों में गिरा था। मुझे तो तभी लगा था कि इसमें गणपति बप्पा की कोई लीला है, और देख आज सतीश खुद हमारे घर आया। तुझे क्या लगता है, इस बार बात बन जाएगी? बन जाए तो अच्छा है, सुलोचना की परेशानी खत्म हो जाएगी। बेटी की शादी की चिंता तो रहती ही है, भगवान करे कि जो लड़का आया है वो हाँ कहते।